हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। फ्रेंड्स, रीजनिंग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और आज हम बात करेंगे रीजनिंग का टाइप नंबर 7 का। इसके पहले कि आपने सारे पार्ट को अगर नहीं देखा है तो न्यू रीजनिंग प्लेलिस्ट के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर के बारी बारी से देख सकते हैं ताकि आपका पूरा बेस क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि रॉक के लिए IFCB लिखा जाता है तो डस्ट के लिए क्या लिखा जाएगा, तो उसका राइट आंसर क्या आ जाता है? उसका राइट आंसर DC, J और B हो जाता है। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग इसे बना लिए होंगे। अब बढ़ते हैं आज के टाइप नंबर 7 के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है कि सीक्वेंस को HVJFVMXV लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं। देखिए, एस मेरे पास कितने नंबर पे, 19 नंबर पे। ई मेरे पास कितने पे, 5 पे। क्यू मेरे पास 17 नंबर पे। यू मेरे पास 21 नंबर पे। ई मेरे पास 5 नंबर पे। एन मेरे पास 14 नंबर पे। सी मेरे पास 3 नंबर पे। ई मेरे पास 5 नंबर पे। कोई डाउट नहीं। यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पर ये आता है आपके पास 8 नंबर पे। भी आता है आपके पास 22 नंबर पे। तो यहाँ से देखिए, अब चेक कर लेते हैं आगे। 19 और 8 को ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। और 27 जब मिलता है तो हमने ये बताया है कि आपका अपोजिट लेटर हो जाता है। ये 5 पर, ये 22 पर, यानी 27 हो गया। यानी ओवरऑल जो सीरीज मिला वो क्या चीज़ का मिला, अपोजिट का मिला। ठीक, अब सी देखिए 3 नंबर पे आता है। एच मेरे पास 8 नंबर पे। आई मेरे पास 9 नंबर पे। एल मेरे पास 12 नंबर पे। डी मेरे पास 4 नंबर पे। आर मेरे पास 18 नंबर पे। ई मेरे पास 5 नंबर पे। एन मेरे पास 14 पे। 3 में अगर 24 दे देंगे तो 27 बन जाएगा। और 24 पर क्या आता है, आपका एक्स आता है। ठीक, ये 8 है, इसमें अगर 19 दे देंगे तो 27 बन जाएगा। और 19 पे क्या आता है, एस है। ये 9 है, यहाँ पर कितना दे देगी, इसको 27 बन जाएगा। तो अगर 18 दे देते हैं तो ये 27 बन जाएगा। और 18 पे कौन आएगा, आर आ जाएगा। ठीक, ये 12 है, ये 15 यहाँ दे देंगे तो 27 बन जाएगा। तो 15 पे क्या आता है, आपका ओ आता है। ठीक, डब्लू आ जाएगा इसका अपोजिट। ये 18 है तो 9 हो जाएगा, तो 9 पे क्या आता है, आई आता है। ये 5 है तो 22 हो जाएगा, 22 पे क्या आता है, भी आता है। ये 14 है तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 पे क्या आता है, तो एम आता है। ठीक, तो इस तरह से राइट आंसर क्या निकल के आ गया, एक्स S R O W I V और M निकल करके आ गया। तो ठीक है, आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2-3 क्वेश्चन और हम कर लेते हैं ताकि और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। ठीक है, 2nd क्वेश्चन क्या दिया है कि BAD को YZW लिखा जाता है। B आता है 2 नंबर पे। A आता है आपके पास 1 नंबर पे, जबकि D आता है मेरे पास 4 नंबर पे। अगर वाई की बात करें तो 25, ये 26 और ये 23 आता है। तो ध्यान दीजिए, 2 और 25 27, 1 और 26 27, 4 और 23 27। यानी कंफर्म है कि क्या लिया है, अपोजिट लिया है। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। एस आता है मेरे पास 19 नंबर पे। ए आता है मेरे पास 1 नंबर पे। एम आता है 13 पे, जबकि ई आता है मेरे पास 5 पे। 19 में 8 दे देंगे तो 27 बन जाएगा। और 8 पे क्या आता है, एच आता है। ठीक, 1 पे 1 हो गया, 26 दे देंगे तो अपोजिट हो जाएगा। और 26 पे क्या आता है, जेड आता है। 13 हो गया, 14 दे देंगे तो 14 पे क्या आता है, एन आता है। ये 5 हो गया, अगर 22 दे देंगे तो इसे 22 पर क्या आएगा, भी आ जाएगा। तो सीक्वेंस मेरा बन गया। ठीक, तो 2-3 क्वेश्चन और इसके थ्रू हम कर लेंगे ताकि आपका और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में अपोजिट लेटर निकालने के लिए एक ट्रिक्स बताया था कि कैसे आप ट्रिक्स को अपोजिट का निकाल सकते हैं। आपने अगर उसे नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं, वो फर्स्ट वीडियो था। ठीक, जहाँ पर मैंने रीजनिंग के बेसिक की चीज़ें समझाई थी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें और साथ में कमेंट करना ना भूलें, और हो सके तो अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, 3rd क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि DOUBLE को ये लिखा जाता है तो मास्टर को कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसे क्या कर सकते हैं। डी आता है मेरे पास 4 नंबर पे, ओ आता है मेरे पास 15 नंबर पे, कोई डाउट नहीं। आइए आगे अगर चेक करें तो U आता है 21 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, L आता है 15 पे, E आता है, सॉरी L 15 पे नहीं, L 12 पर आता है, और E मेरे पास 5 पे आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से L 12 पर और ये 15 पर, तो 12 15 27, ये 23 और ये 4 27, यानी ये कंफर्म हो गया, ये 4 और ये 23 आपका 27 बना दे। ठीक, और ये 15 और ये 12 आपका 27 बना दिया, कोई डाउट नहीं। यानी कि पहले वाले लेटर को सेकंड प्लेस पर और दूसरा लेटर को फर्स्ट प्लेस पर लिखा। ठीक, एम आता है 13 पर, ए आता है 1 पर, एस आता है 19 पर,
टी आता है मेरे पास 20 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे और आर आता है मेरे पास 18 नंबर पे आता है, कोई डाउट नहीं। अब यानी देखिए पहले वाले लेटर को सेकंड प्लेस पर, ई वाले लेटर को यहाँ पर लिखेंगे तो 13 14 दे देंगे यहाँ पर, तो 14 पे क्या मिल जाएगा एन, और एक है तो यहाँ 26 दे देंगे तो क्या मिल जाएगा 26 पर जेड, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 21 हो गया तो इस यहाँ पर 6 और यहाँ 2 हो गया तो यहाँ पर 25, यानी यहाँ पर भी अपोजिट किया तो 19 है 8 दे देंगे तो 27, 20 है 7 दे देंगे तो 27, तो 7 पे जी आता है और एच आता है 8 पे, ठीक। उसी तरह 5 है तो 22 दे देंगे तो 27 और 22 पे भी आता है, 18 है 9 दे देंगे तो 27 और 9 पे क्या आता है आई आता है। ये आपका सीक्वेंस बन करके रेडी हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th को, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है, एफ यू टी यू आर ई फ्यूचर को ये बोल दिया तो बिफोर को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए एफ आता है मेरे पास 6 नंबर पे, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 6 नंबर ये दिया है, ये 21 पर तो ये भी 21 पर दिया हुआ है, लेकिन ऐसा आगे सीक्वेंस दिया है कि नहीं ये हमको चेक करना होता है, नहीं तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। देखिए ये 20 नंबर पे और यहाँ पर 6 नंबर, तो ये तो सीक्वेंस नहीं मिला, आगे चेक करते हैं। देखिए ये अगर 6 रखे और ये 21 रखे तो 21 और 6 क्या हो गया 27, ये 21 आपका और ये आपका 6 तो 27 मिल गया, ये टी आपका 20 नंबर पे तो ये आपका 7 नंबर पे 27 और ये यू 21 पे और एफ 6 पे तो 21 6 27 हो गया, ठीक। आगे चेक करते हैं तो ये आपका 18 नंबर पे, 18 में 9 दे देंगे तो 27, 5 और 22 27, यानी पहले वाला लेटर को उसके अगले प्लेस पर लिख दिया है। देखिए बी होता है, बी का अपोजिट यहाँ पर लिखेंगे तो बी का अपोजिट क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, ठीक। क्योंकि ये 2 पे और ये 25 पर तो 27 बना दिया, ये 5 हो गया तो 22 इसको चाहिए, 22 पर क्या मिलेगा भी चाहिए, ये इसके लिए आ गया ये इसके लिए, कोई डाउट नहीं। एफ 6 पे तो 21 हम लेंगे और यू आता है मेरे पास 21 नंबर पे आता है, ठीक। ओ आता है 15 पे तो 12 दे देंगे और 12 पे क्या आता है मेरे पास एल आता है, कोई डाउट नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आर 18 पे 9 दे देंगे तो 9 पे क्या मिलेगा आई मिल जाएगा, ई 5 पे तो 22 दे देंगे तो यानी भी यहाँ पर मिल जाएगा, तो इस तरह से सीरीज मेरा बन करके तैयार हो गया, ये आपका वाई है, ठीक। फ्रेंड्स कहीं भी अगर डाउट होती है तो आप हमें बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक होगा यथासंभव हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइए न्यू टाइप की हम बात कर लेते हैं। उस टाइप में कुछ खास अब रह नहीं गया था इसलिए हमने टाइप को चेंज कर दिया और पार्ट 8 को हमने लेकर के आया, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है, एस वाई एस टी ई एम को लिए के लिए एस वाई एस एम ई टी लिख दिया है। अब देखिए और आगे क्या बोल दिया है कि नियरर के लिए ये लिख दिया है, तो फ्रैक्शन के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि ये पार्ट मेरे पास और ये पार्ट मेरे पास बिल्कुल इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। आगे जब बात करें तो एम ई टी लिख दिया है, एम ई टी जो लिख दिया है इसको देखिए पलट देंगे तो एम ई टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। यानी सेकेंड पार्ट को क्या कर दिया इसने, उलट दिया, पूरा उल्टा कर दिया, सेकेंड पार्ट को इसने पूरा उल्टा कर दिया। आगे चेक करते हैं, दो पार्ट में इसको सबसे पहले डिवाइड करते हैं, एक पार्ट और एक दो पार्ट, ठीक। तो एन ई ए को अगर पलटा होगा तो ए ई एन लिखा होगा, जो बिल्कुल यहाँ पर लिखा होगा आप देख रहे होंगे, और आर ई आर को सेम एज इट इज लिख दिया है। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट को भी पलटा है और सेकेंड पार्ट को भी पलटा है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेटर, 8 यहाँ पर लेटर्स हैं, अगर डिवाइड करेंगे तो ये 4-4 के फॉर्मेट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसको हम पलटेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर पलटेंगे तो सी शुरू होगा, उसके बाद ए आएगा मेरे पास, ए के बाद आर आएगा और आर के बाद एफ आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। यहाँ आगे बढ़ेंगे तो एन आ जाएगा उसके बाद, चूँकि सेकेंड पार्ट को यहाँ पर भी पलटा है, देख सकते हैं आप लोग आर ई आर यहाँ पर तो चेंज किया हुआ है, कन्फर्म है, चूँकि यहाँ पर चेंज किया तो यहाँ पर भी चेंज किया ही होगा। तो और देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें एस वाई एस को हम यहाँ से नहीं दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसने दे दिया कि इसको हम पलट रहे हैं, तो जब ये वाला बंदा को पलट रहा है तो ये वाला को भी पलटा होगा, ठीक है। और यहाँ पर एन के बाद क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, और ओ के बाद हम क्या लिखेंगे आई लिखेंगे, और आई के बाद क्या लिखेंगे हम, जो मेरे पास बच गया टी। तो राइट आंसर क्या निकल के आता है, ये निकल के आपके पास आता है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे, और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है बॉस, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे कि सी ए टी के लिए एस ए टी सी लिख दिया जाता है, डी ई ए आर को एस ई ए आर डी लिख दिया जाता है, तो सिंग को हम कैसे लिखेंगे ये आपसे पूछा है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा
तो सी ए टी जो है यहाँ पर सी ए टी यहाँ पर तीनों लेटर मिल रहे हैं लेकिन एस मेरे पास एक्स्ट्रा आ जा रहा है। आगे चेक करते हैं तो यहाँ पर भी डी ई ए आर है तो डी ई ए आर लेकिन एस मेरे पास एक्स्ट्रा आ जा रहा है, यानी कि जो भी लेटर्स हैं उनके पहले एस लगा दिया है। तो सिंग में भी सबसे पहले अपने मन से हम एस को लगा देंगे, कोई डाउट नहीं। यहाँ देखिए फर्स्ट लेटर को सबसे लास्ट में कर देता है, ठीक। यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट लेटर को सबसे लास्ट में कर दिया, तो फर्स्ट लेटर कौन सा है, एस है, तो एस को हम सबसे पहले लास्ट में कर देंगे, ठीक। अब जो ए है वहाँ उसको जो मिडिल वाले है उसको हम पहले स्थान पर कर देता है, ठीक। यानी कि एस नहीं रहता तो पहले स्थान पर। अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पर जो मिडिल लेटर है यहाँ देखिए दूसरा नंबर को दूसरा नंबर पे लिखा है, ये भी हम कर सकते हैं दूसरा नंबर को दूसरा नंबर पे, तो आई दूसरा नंबर पे है तो आई हम दूसरा नंबर पे कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। यहाँ से देखिएगा तो टी को जो थर्ड नंबर पे था ये भी थर्ड नंबर पर लिख दिया, ए को चेक करें ए थर्ड नंबर पे था तो ये भी थर्ड नंबर पे लिख दिया, तो एन मेरे पास थर्ड नंबर पे तो हम भी थर्ड नंबर पर कर देंगे, कोई डाउट नहीं। और यहाँ पर देखिए आर जो लास्ट में था उसको सेकंड लास्ट नंबर पे बना दिया, तो जी मेरे पास लास्ट नंबर पे था तो सेकंड लास्ट नंबर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हम पुट कर देंगे जी को। तो इस तरह से एस आई एन जी और एस इसका राइट आंसर निकल करके आ जाता है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और पहले वीडियो को पॉज करके आप बनाने का प्रयास करें, और अगर नहीं बने तो आप जगह करके सॉल्यूशन को देखें, और आप बना पा रहे हैं तो अपना स्कोर कमेंट करते जरूर हमें कि आपने कितना सही किया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 11 तक के लिए आपके पास निर्देश दिया है कि टी ई एम पी ओ आर ए आर वाई को ई पी आर एस ए वाई ओ वाई एम लिखा जाता है तथा ई एक्स सी यू एस ई एक्स क्यूज को पी जी एन वी एक्स और पी लिखा जाता है, और इसी पर बेस्ड उन्होंने प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन को डील करने के लिए बोला है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या बोल रहा है मेरे पास। बोला क्या है कि इसी सांकेतिक भाषा में ए डबल एस यू आर यू ई को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ए मेरे पास है कहाँ पर। देखिए इसमें ए है कहीं पर, यहाँ थर्ड नंबर पे 1 2 3 थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा आपका, ठीक। डबल एस यहाँ पर, इसमें एस है कहीं पर, नहीं है, लेकिन इधर से लास्ट पर देखिए तो सेकेंड लास्ट नंबर पर एस है। एस के लिए क्या आया, एक्स, तो अगले एक्स के लिए क्या भी आएगा, एक्स ही आएगा, ठीक है। यू की बात करें तो यू लास्ट से थर्ड नंबर पे, और लास्ट से थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा, भी आ जाएगा, ठीक है। आर की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो दोनों को चेक करना होता है। देखिए ये आर के लिए भी वाई, ये आर के लिए भी वाई, तो आर के लिए क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ये दोनों आर के लिए अलग आ जाएगा तो अगले टाइप में हम इसका बात कर लेंगे, ठीक है। ई है तो ई मेरे पास फर्स्ट नंबर पे, और फर्स्ट पे क्या दिया है, पी, तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये सारे प्रश्न जो है इसी पर बेस्ड रहेंगे, क्योंकि निर्देश यहाँ पर दे दिया है, और एक प्रश्न छूटने का मतलब कि आपके 5 क्वेश्चन छूट सकते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला, सी, तो सी इसमें चेक कीजिए तो किस नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, एन लिखा है, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ जाएंगे, यू जो है, यू के लिए क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखे थे यू के लिए थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्या लिखे थे, हम भी लिखेंगे, तो ये से चेक कीजिए या इसमें से चेक कीजिए, कोई बात नहीं है, मतलब बात बराबर है। एस के लिए क्या लिखा है, एक्स के लिए एक्स लिखा हुआ है, और टी के लिए क्या लिखा है, टी फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे ई लिखा हुआ है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। आगे जब बात करेंगे ओ के लिए, तो ओ देखिए यहाँ पर किधर पे, 1 2 3 4 5 नंबर पे, 1 2 3 4 5 नंबर पे, तो ए हो जाएगा इसके लिए। अब बात करते हैं एम का, 1 2 थर्ड नंबर पे, 1 2 3 नंबर, यानी यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आर हो जाएगा। अब बात करते हैं ई का, तो ई सेकेंड नंबर पे है, और सेकेंड पे कौन आता है, पी आता है, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट पे पी, और यहाँ पर भी पी ही दिया है, तो पी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ये सबको चेक करना जरूरी होता है, नहीं तो आपका गलत हो सकता है। जब बात करें आर का, तो आर सेकेंड लास्ट नंबर पे, और यहाँ पे क्या दिया है, वाई आता है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या निकल के आ जाता है, एन वी एक्स ई ए आर पी वाई निकल करके आ जाता है, ठीक है। ये क्योंकि जैसे बोल दिया है ना, वैसे एज इट इज हमको चलना पड़ता है, ठीक है। और कहीं पर अगर मान लीजिए यहाँ टी के लिए सपोज डेट, यहाँ पर चेक करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर जैसे एस के लिए, एस के लिए यहाँ पर क्या लिखा था, एस के लिए एक्स लिखा था। अगर कोई और एस के लिए कुछ और लिख देता, जैसे यहाँ पर एस के लिए एक्स आप देख रहे हैं, ठीक है, और एस कहीं और होता, उसके लिए कुछ और होता, तो हम यहाँ पर एक्स ही लेते, या वो संख्या, वो डिजिट लेते, या वो लेटर लेते। इसके लिए हम अगले वीडियो में हम बात कर देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर।
देखिए क्या बोला है, ए आर एम ओ यू आर इसका पूछा है, ठीक है। ए के लिए देखिए हम क्या लिखें, ओ लिखें, हम आगे चेक नहीं करेंगे। आर के लिए क्या लिखा है, सेकंड लास्ट वाई कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। एम के लिए क्या करेंगे, एम के लिए देखिए थर्ड नंबर पे क्या लिखे हैं, आर लिखे हैं। देखिए इसमें से भी मिला सकते हैं, चूंकि यही दोनों के कंबाइनेशन है, ये दोनों बने हैं, तो कोई डाउट नहीं, आप मिला सकते हैं, ठीक है। ओ की बात करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ए नंबर पर, यानी मतलब ए आता है ए नंबर पर, नहीं माफ कीजिएगा, यू आइए, यू चाहिए तो दो नंबर क्या मिल गया, भी मिल गया। और आर की बात करेंगे तो लास्ट नंबर पे क्या मिल गया, मेरे पास वाई मिल गया। ये बिल्कुल सिंपल है, बस ऐसा ही सिंपल होता है सब कुछ, बस आप उसकी भावना जो है उसको समझने का प्रयास करें, ठीक है। अगर समझ नहीं पाइएगा तो आपके लिए कोई भी चीज़ कठिन हो जाता है, अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम डील करते हैं। क्या बोला है, सिक्योर, एस ई सी यू आर ई, एस चाहिए, एस के लिए हम देखिए यहाँ पर डबल एस था, डबल भी एक्स लिख दिए थे, यानी एस के लिए क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, कोई डाउट नहीं है। देखिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि या तो आप इस दोनों में से मिलाइए या तो इसमें भी मिलाइए, चूंकि ये तीनों का जो निर्माण हुआ है ना मेरे भाई, वो ये दोनों के वजह से ही हुआ है, तो इसलिए गलत नहीं हो सकता है, आप इसमें से भी मिला सकते हैं, चूंकि इसमें थोड़ा सा ढूंढना कठिन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर साफ छलक रहा है, ठीक है। ई की बात करें तो ई मेरे पास लास्ट में, और लास्ट में क्या है, पी है, कोई डाउट नहीं। सी है, सी फर्स्ट नंबर पे क्या है, एन है, कोई डाउट नहीं। यू चाहिए, यू मेरे पास सेकंड नंबर पे क्या है, भी है, ठीक है। अब आर चाहिए, आर सेकंड नंबर पे क्या है, वाई है। और ई चाहिए तो ई हम जानते हैं सेकंड लास्ट नंबर पे, या फिर यहाँ पर भी दिया है तो लास्ट से बात करेंगे तो पी, और सेकंड लास्ट से भी बात करेंगे तो पी ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से राइट आंसर इसका हो जाता है। फ्रेंड्स इसका कोई ट्रिक्स नहीं होता है, ये बिल्कुल बेसिक से समझना पड़ता है, इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर आज तो टेम्पररी लिखा है, एक्सक्यूज लिखा है, कल कुछ और लिख सकता है, उसके बदले में कुछ और लिख सकता है, तो आप कितने का याद कीजिएगा, जितने आप याद कीजिएगा उससे ज़्यादा कहीं आपसे पूछ देगा, ठीक है। अब चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 11 क्या बोल रहा है कि इसी सांकेतिक भाषा में ई एक्स ई एम पी टी को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन क्या दिया आपके पास, पी जी पी आर ई एस, ऑप्शन बी जो दिया है पी जी आर पी एस ई, ऑप्शन थर्ड जो दिया है पी जी पी आर ओ एस, ऑप्शन फोर क्या दिया है पी जी पी आर एस ई, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका मतलब अपने सॉल्यूशन कर सकते हैं, और ये नेसेसरी है, सारे लोगों का कमेंट हमें आना चाहिए, ठीक है। और साथ में जो लोग वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो जब वीडियो देखें, आप लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आवश्यक सूचना ये है कि अब वो समय आ चुका है, बहुत जल्द अब आप लोगों के सामने लाइव क्लास चलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए अपना प्यार स्नेह बनाए रखिए इसी तरह से, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई बाय बाय, नमस्कार।